भाई दूज के दिन बहन के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है। इससे उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन बहन भाई की लंबी उम्र के लिए यम की पूजा भी करती है। इस कारण इसे यम द्वितीय भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भाई बहन से तिलक करवाता है उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। उसकी उम्र निश्चित रूप से लंबी होती है। लेकिन कुछ भाई ऐसे भी हैं जो अपनी बहन के घर नहीं पहुंच सके और किसी वजह से जेल की सजा काट रहे हैं। उन बहनों और भाइयों का ख्याल रखते हुए मेरठ जिला कारागार द्वारा शनिवार के दिन भी भाइयों से बहनों को मिलने की अनुमति दी गई। बहनें भाई दूज के दिन भाइयों के लिए अपने हाथ से पका भोजन लेकर जिला कारागार पहुंची। बहनों ने भाइयों को तिलक किया और मिठाई खिलाई। सुबह 8 से लेकर शाम 5 तक भाइयों से बहनों का मिलना जारी रहा। बहन भाई मिलकर खुश हुए। भैया दूज के त्योहार पर आज अब तक करीब 1100 महिलाएं अपने भाइयों से मुलाकात कर चुकी हैं। जिला कारागार मेरठ महिलाओं की सुविधा के लिए बाहर टेंट लगवाया गया है, जिसमें उसमें पानी की, चाय की, बिस्किट्स की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और महिला बंदी अपने भाइयों से भी मिलेंगी, जो उनकी अंदर आपस में मुलाकात थोड़ी देर में कराई जाएगी और जिन भाइयों की बहनें अंदर बंद हैं उनकी भी मुलाकात आज शाम को अवश्य करा दी जाएगी। कारागार प्रशासन की तरफ से और हमारे आईजी साहब की तरफ से, डीजी महोदय जो हैं मिस्टर आनंद कुमार की तरफ से भी विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि कोई महिला बंदी बिना अपने भाई से मिले हुए न जाने पाए, उसका अनुपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाए। टाइमिंग क्या? टाइमिंग 8 बजे से मुलाकात शुरू कराई गई थी और आखिरी महिला तक की मुलाकात अवश्य कराई जाएगी लगभग 5 बजे सायंकाल तक। तो कुल कितनी महिलाएं? लगभग 1100 महिलाएं अपने भाइयों से मिल चुकी हैं।